नमस्कार, स्वागत है आपका पंजाब केसरी में। असम में एनआरसी लागू होने के बाद कई राज्यों के नेताओं ने इसे अपने राज्य में भी लागू करने की मांग को उठाया था, जिनमें दिल्ली से भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी भी शामिल हैं। उन्होंने भी दिल्ली में नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप को लागू करने की मांग उठाई थी, जिसके बाद आप सरकार और बीजेपी के बीच बयानबाजी का वॉर शुरू हो गया। ये वॉर ट्विटर पर भी ट्वीट के जरिए नजर आने लगा, जिसके बाद इस वॉर ने दिल्ली की राजनीति में एक सियासी रंग ले लिया। तो आज हम आपको बताएंगे कि किस तरह के शब्दों के बाण से दिल्ली की राजनीति को रण बना दिया गया, तो देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। दिल्ली में एनआरसी का मुद्दा एक गंभीर समस्या बनता जा रहा है। मनोज तिवारी के दिल्ली में एनआरसी लागू करने के बयान के बाद आप सरकार ने भाजपा को अपने घेरे में लेकर बयान देना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि केजरीवाल द्वारा बुधवार को की गई प्रेस वार्ता में उन्होंने मनोज तिवारी पर हमला बोल दिया था। उन्होंने कहा था कि दिल्ली में एनआरसी लागू हुई तो सबसे पहले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी को ही दिल्ली छोड़नी होगी, जिसके बाद तो मानो ट्विटर पर जंग सी छिड़ गई। जानकारी के लिए आपको बता दें कि केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जीके विधानसभा से विधायक सौरभ भारद्वाज ने मनोज तिवारी को घेरे में लेते हुए कहा कि मनोज तिवारी चाहते हैं कि दिल्ली में 1971 से पहले के लोगों के पास कागजात हैं तो वो ही दिल्ली में रहेंगे, अन्य को दिल्ली से भगा दिया जाए। मुझे लगता है कि सबसे पहले मनोज तिवारी जी से ऐसा प्रूफ मांगा जाना चाहिए। विधायक के इस बयान के बाद भाजपा तो जैसे एक्शन में ही आ गई। इस घटना के बाद बुधवार को भाजपा नेता कपिल मिश्रा ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और विधायक सौरभ भारद्वाज के खिलाफ पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में शिकायत दर्ज कराई। यह शिकायत भाजपा नेता कपिल मिश्रा के साथ नीलकांत बख्शी ने भी दर्ज करवाई है। इस घटना में इस मुद्दे को और राजनीतिक रंग देने के लिए भाजपा ने केजरीवाल के खिलाफ एक पूर्वांचल द्वारा मोर्चा निकाला, जिसे प्रचंड प्रदर्शन का नाम दिया गया और इस प्रदर्शन की टैगलाइन थी पूर्वांचल का लगातार अपमान, केजरीवाल की यही पहचान, जिसमें केजरीवाल द्वारा पूर्वांचल के लोगों की तुलना रोहिंग्या शरणार्थी और घुसपैठियों से किए जाने के आरोप लगाए गए। इसी के साथ विजेंद्र गुप्ता ने भी केजरीवाल पर सीधा हमला बोल दिया। उन्होंने सदन में कहा कि दिल्ली में बांग्लादेश घुसपैठियों को सीएम केजरीवाल संरक्षण दे रहे हैं। इसी के साथ उन्होंने कहा कि सब जानते हैं कि दिल्ली में होने वाले अपराधों में बांग्लादेशी घुसपैठियों की बड़ी भूमिका है। सदन में मैंने पोल खोली तो आम आदमी पार्टी के विधायकों ने व्यवधान डाले और मुझे बोलने से रोकने की साजिश की कि दिल्ली में रह रहे घुसपैठियों की पहचान, उनकी रोकथाम और निष्कासन पर बिल लाएं। अध्यक्ष जी, आप सरकार अप्रत्यक्ष रूप से वोटों की खातिर बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण दे रही है। मेरी ये मांग है कि नेशनल रजिस्टर फॉर सिटीजन दिल्ली में लागू किया जाए और वोटों की खातिर आम आदमी पार्टी की सरकार बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण देना बंद करे। फिलहाल एनआरसी पर भाजपा और आप सरकार गरमाई हुई है। अब देखना यह होगा कि क्या वाकई में राजधानी दिल्ली में एनआरसी लागू की जाती है या फिर इसे भी आगामी विधानसभा चुनाव के चलते एक गेम के रूप में खेला जा रहा है। हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। मैं श्वेता चौहान, पंजाब केसरी, दिल्ली। अगर आप हमारी ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज पंजाब केसरी दिल्ली को लाइक करें और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल पंजाब केसरी दिल्ली को सब्सक्राइब करना ना भूलें।